नमस्कार स्टूडेंट, नव भारती परिवार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं प्रेमलता, माँ भारती को नमन करते हुए, माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो चीज़ें मैंने आपको पिछले दो वीडियोस में समझाई हैं उनसे आपका मुझे इतना जो लाइक्स मिले हैं अपने उसको उसका आभार व्यक्त करने के लिए बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोगों का जो इतना प्यार मुझे मिला उसके लिए मैंने आपके ही वजह से आपके ही सब्जेक्ट को पढ़ाने का प्रयास मैंने जारी रखा। आप लोगों की वजह से मैं इतना अपने आप को समझ पाई और मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कुछ सूचनाओं को देने का निश्चय किया है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि कार्य करते नहीं है जब तक वो नहीं हो पाता, लेकिन जब हम कुछ करने लग जाते हैं तो हमारे लिए प्रत्येक चीज आसान हो जाती है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो को आगे तक देखें, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज अवश्य होगा। सुनने से तो पल्ला इतना नहीं आता, लेकिन सुन के उन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारने से बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। तो कल की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जो अंग होते हैं, हमारे जो शारीरिक अंग कौन, शरीर आत्मा और मन, जिनके चार पहलू होते हैं कौन कौन से, शारीरिक पहलू, मानसिक पहलू, भावनात्मक पहलू एंड आध्यात्मिक पहलू। इन चारों पहलुओं के आपस में जो डेवलपमेंट अंदर जो डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट, जिस जो डेवलपमेंट हम अपने अंदर इन चारों पहलुओं के माध्यम से करते हैं उससे एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। लेकिन उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, अपने आप की समझ, स्वयं की समझ, स्वयं को सोचने विचारने की शक्तियाँ, स्वयं को जानने की लालसा, स्वयं को समझने का अवबोध, ये सारी चीजें इसके अंदर सम्मिलित होती है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी नींव को बहुत मजबूत बनाना होता है, इसीलिए कहते हैं कि स्वयं की समझ। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, ये नहीं है कि हम अंडरस्टैंडिंग का स्तर पढ़ें, अदरवाइज हम साइकोलॉजी पढ़ें और स्टार टीचर जो भी पढ़ाते हैं आपको वो सारा हम पढ़ें, लेकिन कैसे पढ़ें, अपने आप को समझते हुए पढ़ें। पहले तो हम सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करें। अब जैसे हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पढ़ रहे हैं तो अपने आप की नींव को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने आप को जानना होगा। कहते हैं कि नींव मजबूत होती है स्टूडेंट तभी बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग का हम निर्माण कर पाते हैं। एक अच्छी बिल्डिंग के निर्माण के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो आप किसी भी तरीके मकान की हो, किसी छोटे बच्चे की हो। आपने आज से अपना जीवन जीना प्रारंभ किया है तो आपकी स्वयं की भी बुनियादी हो सकती है कि हम अपने आप को आगे समझने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके को आप में चेंज, आप में बदलाव लाने की चीजें लेकर आई हूँ। उसमें है आपके स्वयं की पहचान में सहायक कार्य। अपने आप की जो पहचान स्टूडेंट्स हम बनाते हैं उसमें जो कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आज आपसे चर्चा करूंगी। वीडियो को लगातार बने रहिए क्योंकि कुछ ट्विस्ट भी इसके अंदर आते हैं। कई बार मैं एग्जांपल ऐसे देती हूँ, बच्चों देखो ये कोरोना COVID-19 का टाइम है इसलिए मैं आपसे आपसे नहीं मिल पा रही हूँ। बच्चे मेरे लिए कमेंट्स बॉक्स में भी डालते हैं, अलग से पर्सनल मैसेज भी बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी, हमें आपकी क्लासेस हमें कैसे लेनी है, हमको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है। लेकिन स्टूडेंट वो भी संभव हो पाएगा, लेकिन कब संभव हो पाएगा, इसमें भी देखो अपने आप को समझने का बहुत बड़ा रोल है कि जो ये बीमारी आई है इसमें भी हम अपने आप को नहीं जान रहे, हम अपने आप की जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है उनसे हम अवगत नहीं हो रहे हैं, हम सब कुछ को नॉर्मल करते हुए यूं ही घूम रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सुरक्षा बनाए रखिए, जब स्वस्थ रहिए, जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कोई भी कार्य को करने में सफल नहीं होंगे। मानसिक चिंताओं से दूर रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। हम जल्द से जल्द ऑफलाइन क्लासों का भी बंदोबस्त आपके लिए करवाएंगे, लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, स्वयं की पहचान में सहायक कारक। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट्स कारक होता है अपने अंदर जो डेवलपमेंट करने का, अपने अंदर की चीजों को जानने का, पहचानने का, वो होता है अंतःप्रेरणा। यानी कि अपने मन से ही जो भी चीजें निकलती है, उत्पन्न होती है, जैसे हमारे अंदर की जो चीजें हैं उन्हीं को जानना अंतःप्रेरणा, यानी कि आपकी ही
हैं स्टूडेंट्स, बाह्य प्रेरणा समाज से, परिवार से, दोस्तों से, कहीं से भी, कैसे भी आपको मिल सकती है। तीसरा होता है नेतृत्व की क्षमता। देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने से होगा क्या कि देखो, एक बार मैं समझाने के बाद आपको कड़ी टू कड़ी इनको जोड़ के बताऊंगी कि वाकई में अपने आप का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो तीसरा हमारा आ जाता है नेतृत्व करने की क्षमता। नेतृत्व की क्षमता, जब अंतर प्रेरणा यानी कि हमारी अंदर की चीजों को हम जानेंगे, बाहर से मोटिवेट होंगे या नहीं भी होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज अच्छा भी करते हैं, लेकिन वो चीज किसी और को, सभी लोगों में समझ की तो सभी में कमी होती है। अपने आप को जाने की कोशिश तो कोई करता ही नहीं ना, क्यों नहीं करता? क्योंकि अपने आप को टाइम कोई नहीं देना चाहता। देखो अभी हमें बहुत बड़ा एक कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड ऑफर मिला था, वैसे तो वो बहुत गलत था कि हमारे ऐसे तरीके का वायरस आया और हम इतने परेशान हुए, बहुत से लोगों की जान भी इसके अंदर चली गई, लेकिन हम उस चीज का फायदा भी उठा सकते थे। क्योंकि देखो बेटा, प्रत्येक चीज के कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट होते हैं, पॉजिटिव थिंक होती है। तो उस चीज से हमें नेगेटिव चीज मिली, लेकिन हमें पॉजिटिव ये मिला, हमें उसका लाभ उठा लेना चाहिए था। कैसे? कि हम कम से कम अपने लिए अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीजों का को कर सकते थे। मेरा कहने का मतलब कि हम बहुत सारी चीजों को अपने आप के लिए टाइम देते, हम अपने आप का डेवलपमेंट अच्छे से कर पाते थे और आज भी हम कर पाए हैं और कर ही रहे हैं। तो नेतृत्व करने की क्षमता, जब हम अंतर प्रेरणा यानी कि हमारी आत्मा जो बोलती है और बाहर के लोग जो बोलते हैं, इनका जो मिक्सअप होता है, वो इंसान को नेतृत्व करने की प्रेरणा देता है कि वो क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता है। फिर आता है हमारा दृढ़ संकल्प। नेतृत्व करने की क्षमता जब आ जाती है तो इंसान वाकई में दृढ़ संकल्प कर लेता है और वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप से प्रेरित होता रहता है और वो कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। जब तक कुछ ना कुछ कार्य हम करेंगे नहीं, तो हमें सफलता और असफलताओं का पता कैसे हम लगा पाएंगे? तो अपने आप के नेतृत्व से हम एक दृढ़ निश्चय करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर आता है हमारा जीवन संघर्ष की तैयारी। देखिए स्टूडेंट, हमें आंतरिक प्रेरणा मिली, बाह्य प्रेरणा मिली, उसके बाद हमें मिले नेतृत्व करने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हुई और दृढ़ संकल्प हमने किया कि हमें क्या करना है, जीवन से संघर्ष करना है। ये सारी चीजें हमें क्या कर रही हैं, हम अपने आप को समझने के लिए तैयार कर रही हैं कि हम इन चीजों को समझेंगे तो फिर हम जीवन से संघर्ष यानी जो आने वाली परिस्थितियां हमारी लाइफ में, जो आने वाली परिस्थितियां, मैंने पहले भी कहा था कि सफलता और असफलता इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में आने और जाने वाली चीजें क्या है? सफलता और असफलता। कभी हमें सफलता मिलती है और कैसे कहते हैं कि सफलता या सफलता मिलेगी हमें तो हम असफलता को कैसे फेस कर पाएंगे? और हमें असफलता ही मिले ऐसा संभव नहीं है। क्यों? असफलता भी हमें सफलता के लिए प्रेरित करती है। असफलता मिलेगी तो हो सकता है हम जो कार्य हमको ऐसे करना था उसको हमें और भी उचित तरीके से हम कर पाएंगे। इन चीजों को समझने के लिए खेल किसका हो जाता है? अपने आप को समझने का। फिर आता है वास्तविक जीवन से सामना। जब बच्चों हम जीवन में संघर्ष करना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ में जो वास्तविक चीजें हैं, या वो भौतिक हो या अभौतिक हो, किसी भी तरीके की हो सकती है, उनसे सामना करने की क्षमता, योग्यता हमें आ जाती है और हम उनसे बहुत जल्दी सामना कर लेते हैं। सामना करने के लिए भी हमें अपने आप की पहचान को बनाए रखना होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना। जब कोई भी व्यक्ति अपने आप की इंटरनल और बाह्य चीजों को समझ जाता है तो वह अपने आप की परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, परिस्थितियां भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव परिस्थितियां हैं तो उसको भी वह संभाल पाएगा और नेगेटिव परिस्थितियां हैं उनको भी वो संभाल पाएगा। लेकिन कब संभाल पाएगा? जब वो खुद पे नियंत्रण होगा, उसके संवेगों पर, उसकी सोच पर, उसकी सोच सकारात्मक होगी, उसके संवेगों पर अपना नियंत्रण होगा तो प्रत्येक परिस्थितियों का सामना इंसान आसानी से कर पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्थितियों और घटनाओं से दृष्टिकोण निर्माण करना। देखो स्टूडेंट, जो भी जीवन में घटित जो चीजें होती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो, लेकिन जो भी स्थिति होगी उसका उससे हमारी क्या होता है, इस घटनाओं से दृष्टिकोण का निर्माण होता है। स्थितियों
कंडीशन का निर्माण होता है। जब कंडीशन पता चलेगी तब हम उसका बैठ के चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उसका सोल्यूशन भी कर लेंगे। तो हमें करना क्या है, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए कड़ी टू कड़ी, कड़ी टू कड़ी चलते ही रहना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मनोवैज्ञानिक तत्व। अब बच्चों मनोवैज्ञानिक तत्व क्या होते हैं, हमारी इंटरनल जो चीजें हैं क्या हैं, हमारी इच्छाएं, जैसे हमारी इच्छाएं हैं, संवेग हैं, आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है। आत्मविश्वास का अपने आप को समझने में बहुत बड़ा रोल है। कैसे, आत्मसम्मान जो है उसको आत्मसम्मानी आत्मविश्वास, आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इन द सेंस आत्मविश्वास, यानी कि अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी बच्चों को लेवल का होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी ओवर नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में भी हमें क्या है, कुछ चीजों का गलत सामना करना पड़ जाता है। तो कॉन्फिडेंस इज लेवल, लेवल का कॉन्फिडेंस होगा तो हम प्रत्येक परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। कई बार हमने सुनने में आता है ये किसी भी इंसान के लिए, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, कि ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस इन द सेंस मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा समझने वाला, लेकिन हो सकता है कि उसकी ऐसी परिस्थितियां रही हो कि वो अपने आप को हमसे ज्यादा जानता हो, ये भी हो सकता है, इसलिए वो हो। लेकिन कहते ना कि दूसरे की थॉट हम बहुत जल्दी से कर लेते हैं कि ये ऐसा है, लेकिन क्या हमने अपने आप को जाना कि हम उसके बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, अपने आप को समझना चाहिए। हमें प्रत्येक में गलतियां ढूंढने की बजाय हमें अच्छाइयां, इंसान की अच्छाइयों को ऑब्जर्व करो। इंसान से इंसान मिलता है लेकिन ढूंढता क्या है, सिर्फ और सिर्फ बुराइयां, और हमें क्या ढूंढनी है, अच्छाइयां। देखो आप किसी इंसान की अच्छाइयां देखने लग जाओ, आप अपने आप की अच्छाइयों को देखने लग जाओ कि मेरे में ये अच्छाई है, देखना आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से डेवलप होगा। और आप अपनी बुराइयां देखने लग जाओगे, अरे मेरे में ये बुराइयां है, मेरे से ऐसे नहीं होता, वैसे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। जैसे मैंने कल आपको बताया कैसे मैं आलसी हूं, धारणा बना ली ना कि मैं आलसी हूं, नहीं, आलसी एक धारणा है, आलस को भी हम त्याग सकते हैं जब हम अपने आप को समझते हैं। हम अपने आप को समझेंगे ही नहीं तो धारणा है तो जिंदगी भर चलने वाली चीजें हैं, लेकिन धारणा को भी चेंज करना हमारे बस में है। यानी कि हमारी जो मानसिक शक्ति है वो इतनी पावरफुल होती है कि हम धारणा को भी बदल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ता जिंदगी भर ऐसा नहीं रहता, उसको टाइम टाइम पर बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इतिहास की गवाह है, इतिहास भी कहता है कि बदलाव बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आता है अंतर्निहित शक्तियों के आधार पर प्रदर्शन। जो भी इन चीजों से, जो भी हमारे अंदर की शक्तियां डेवलप होती हैं, उनसे हम अपने आप की पर्सनैलिटी का, अपने आप के व्यवहार का, अपने आप की जो भी चीजें हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, किसी कहते हैं ना बेटा किसी में कोई छवि होती है। देखो हुनर सब में होता है, हुनर इन द सेंस कि क्रिया प्रतिक्रिया करने की क्षमता, यानी कि हुनर यानी कि जो चीजें उसके अंदर हैं, यानी कि किसी किसी का हुनर छप जाता है और किसी किसी का छिप जाता है। छपता किनका है, जो अपने आप को जानते हैं, और छुपता किसका है, जो अपने आप को नहीं जानते हैं और जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये सारी चीजों को यहाँ डिफाइन किया है, अब मैं कड़ी टू कड़ी इनको जोड़ूंगी और आपके अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में बहुत ही हेल्पफुल ये चीजें रहने वाली है। तो पहली आ जाती है अंत प्रेरणा। अंत प्रेरणा यानी कि हमारे मन से जो प्रेरणा हमें मिलेगी, बाहरी प्रेरणा जो हमें आसपास के वातावरण से प्रेरणा मिलती है, इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर हम नेतृत्व की क्षमता हमें डेवलप हो जाती है। नेतृत्व की क्षमता जब इंसान में डेवलप होती है तो दृढ़ संकल्प कर लेता है। दृढ़ संकल्प कब करेगा इंसान, जब वो आगे की चीजों को फेस कर पाएगा, आगे की चीजों को फिर वो दृढ़ संकल्प, अगर कोई इंसान कहते हैं ना कि स्वयं को समझ के किसी भी चीज के लिए दृढ़ संकल्प कर ले तो वो जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष भी कर सकता है। अब उसका परिणाम नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ये सोच के कुछ नहीं करना चाहिए, प्रत्येक चीज को ऐसा सोच के नहीं करना चाहिए कि हमें लाभ ही होगा, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए हमें सब कुछ करके देखना चाहिए स्टूडेंट्स। फिर हमारा आता है वास्तविक जीवन से सामना। जब इन चीजों से हम अवगत हो लेंगे, हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगी, तब हम वास्तविक जीवन से भी सामना कर पाएंगे। वास्तविक जीवन से सामना करेंगे जब हम, तो स्थिति घटनाएं कैसी भी हो और हम उनको उनका दृष्टिकोण यानी उनका निर्माण करके, उनका चिंतन करके उनका सॉल्यूशन भी हम निकाल पाएंगे। फिर आ जाता है परिस्थितियों पर, सॉरी, फिर आ जाता है आपका मनो अंतर्निहित शक्तियों के, इन्हीं चीजों अंतर्निहित शक्तियों के आधार पर प्रदर्शन।
जाएंगी हमारे अंदर, तो हमारी जो अंतर्निहित शक्ति है उसका इतना अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा कि हम अपने आप से मोटिवेट होके अपने आप से खुश रह के, देखो सबसे अच्छा रोल होता है कि हम अपने आप से खुश रहें, दुनिया रह या रहे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमसे कोई खुश है या नहीं, लेकिन हम अपने आप से खुश रहें। देखो अपने आप को आप मुस्कुराता हुआ देखें, आपको बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन हम देखते क्या हैं, हम तो बस कोई परिस्थिति आई और हम निराश हो जाते हैं, तो नहीं स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है स्वयं की पहचान में सहायक कार्य, इन इन कार्यों का जब डेवलपमेंट होता है तो एक अच्छी पर्सनैलिटी का निर्माण हमारा होता है, अच्छी पर्सनैलिटी का निर्माण होगा तो अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। हम अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे तो क्या, देखो पहली बात तो हमारा बीएड करने का मतलब ही होता है शिक्षक बनना। अब कई बच्चे मुझे कहते हैं मैडम पता नहीं मैं शिक्षक नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैंने किसी के फोर्स से करा कि चलो बीएड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बीएड कोई बड़ी चीज नहीं है। अरे आप शिक्षक नहीं बनना चाहोगे तो एक अच्छे इंसान आप जरूर बन जाओगे, जब आप इस तरीके का डेवलपमेंट अपने अंदर करोगे तो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा इंसान बनना सबसे अच्छा अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। आज की क्लास में स्टूडेंट्स मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मेरी क्लास अगर आप निरंतर लेना चाहते हैं तो फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगी मुझे लाइक करें, यानी कि मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और आगे मुझे बुलाने के लिए या इस प्लेटफॉर्म पर मेरे से